Alright, good morning students. Today we'll be completing chapter 2 in history, that is Tradition of Indian Historiography, part 4. Our objective for today is students will be able to take notes and answer questions on historiography in the post-independence era. So, you'll be able to take notes and answer questions on what? Historiography, yani history likhna aur history padhna. Lekin kaun se zamane mein? In the post-independence era. Yani independence ke baad wale zamane mein. Post yani बाद में, ठीक है? Now, as we move on to this lecture, remember this is the end of our chapter, so please make your notes, write all your question answers. If you haven't done any of the previous parts, please do the same. Alright, moving on. Now, what are the three different things that we are going to learn today? We are going to look at Marxist history, subaltern history and feminist history. तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद वाले जमाने में हिस्ट्री को तीन अलग अलग नजरिए से और सिर्फ तीन नहीं बहुत सारे नजरिए से पढ़ा जा रहा था बट इंडियन हिस्ट्री को इन तीन नजरियों से ज्यादा ज्यादा पढ़ा जा रहा था. ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू लुक एट दीस थ्री थिंग्स टुडे. मार्क्सिस्ट यानी कार्ल मार्क्स जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था उनके आइडियाज के बारे में, उनके आइडियाज को इंडियन हिस्टोरियन यानी इंडियन इंडिया के हिस्ट्री लिखने वाले लोगों ने कैसे यूज किया, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट. देन देयर सबाल्टर्न हिस्ट्री यानी सबाल्टर्न यानी लोएस्ट ऑफ द लो यानी एकदम लो क्लास है, एकदम गरीब लोग जो है जिनके पास कोई भी साधन नहीं है कमाने का जीने का, उनका हिस्ट्री कैसे लिखा जा रहा था और उनके हिस्ट्री पे क्या क्या काम हो रहा था, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट. एंड फाइनली फेमिनिस्ट हिस्ट्री यानी औरतों के नजरिए से इंडियन हिस्ट्री को देखना. रिमेम्बर इन इंडिया हिस्ट्री वॉज रिटन मोस्टली रिटन अबाउट मेल्स एंड मैन एंड किंग्स बट इट वॉज नेवर a lot about women and their life, unke kya struggles the, unke kya problems the, it was never about that. So, post-independence ke baad, aurton ke nazariye se history ko zyada se zyada padha ja raha tha. And so, that's what we're going to look at. Okay? Moving on. So, our first topic is Marxist history. Now, Marxist history is about Karl Marx. Karl Marx ka idea kya tha? History tab likha jata hai, jab क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है. ओके, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, अगेन जस्ट अ स्मॉल रिवीजन. क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या है? द अपर क्लास यानी जो रूलिंग क्लास होता है, जैसे कि जो रिच है या जो राजा महाराजा है, वर्सेस द वर्किंग क्लास और द पुअर क्लास, जो मतलब काम करके अपने जिंदगी को काटते हैं या काम करके अपने लिए अपने जीने के लिए जो भी जरूरतें हो उसको पूरा करने के लिए काम करते हैं. तो उन दोनों के बीच में जब क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी फॉर एग्जांपल लेट्स से रूलिंग क्लास के पास ज्यादा लैंड है तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस लैंड पे काम करने लगाएगा, लेकिन वो उसको उनको ज्यादा पैसे नहीं देगा, उनको बहुत लंबे लंबे समय तक काम करवाएगा, उनको ज्यादा राइट्स नहीं देगा. तो अभी ये सब क्या होता है, उनको बोला जाता है ऑप्रेशन. ऑप्रेशन यानी उनके साथ अन्याय किया जा रहा है. तो जब ये अन्याय चलता रहता है सालों 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 तक, तब कभी ना कभी जो लोअर क्लास लोग हैं या जो वर्किंग क्लास लोग हैं वो ऊपर के या पावरफुल लोगों से उनसे प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं या उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं. लड़ना किस तरह से, मतलब तुमने देखा होगा रास्ते पे मोर्चा निकालते हुए लोगों को, या तुमने देखा होगा कि अगर किसके साथ अन्याय हो रहा है तो लोग भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं. सो दीज आर नोन एज स्ट्रगल्स और क्लास कॉन्फ्लिक्ट, यानी रिच और पुअर के बीच में जो स्ट्रगल हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ जो लड़ाई हो रही है, दैट्स नोन एज क्लास कॉन्फ्लिक्ट. फॉर एग्जाम्पल समझो एक कंपनी ने, समझो एक कपड़े सीने वाले कंपनी ने अचानक से 5,000 महिलाओं को निकाल दिया. अभी वो 5,000 महिलाएं तो बहुत गरीब है, उनका बस यही कमाने का ये साधन था. तो उस कंपनी के खिलाफ फिर महिलाएं भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं उस कंपनी के ऑफिस में. फिर वो लोग तब तक नहीं हिलते जब तक जो कंपनी के मालिक है या जो कंपनी के लोग हैं, जो रूलिंग क्लास लोग हैं, वो अपना डिसीजन बदल नहीं देते, ठीक है, और उनको अपना हक देते. सो दैट्स नोन एज क्लास कॉन्फ्लिक्ट. सो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन स्टडी अबाउट क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ इट शेप्स द सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमंस. तो इस स्ट्रगल की वजह से, इस लड़ाई झगड़े की वजह से हिस्ट्री कैसे शेप होता है, ह्यूमंस का सोशल लाइफ कैसे चेंज होता है, दैट इज समथिंग दैट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस स्टडी. ऑलराइट,
They analyze day-to-day concepts such as the means of production, class relation, modes of production. तो वो रोजमर्रा की जिंदगी के अलग अलग कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, जैसे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जो कमाने के साधन है या जो जरूरत पूरे करने के साधन है वो क्या क्या है. फिर क्लास रिलेशंस. क्लास रिलेशंस यानी रिच क्लास और पुअर क्लास, रूलिंग क्लास और वर्किंग क्लास के बीच में कैसा रिलेशनशिप है. एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, किस किस तरह से अलग अलग तरीके से जरूरतें पूरी कर सकते हैं हम. ठीक है. सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. तो इंडिया इज अ मेनली एग्रीकल्चरल लैंड. तो यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जरूरत पूरे करने का क्या साधन है, लैंड. ऑल राइट. तो हमारे लिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड हो गया. अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, जिनके पास ज्यादा लैंड है उनके पास ज्यादा पावर है, सो दे विल बी द रूलिंग क्लास. वर्सेस जिनके पास कम लैंड है या जो लोग दूसरे लोगों के लैंड पे काम करते हैं, दे आर नोन एज द वर्किंग क्लास. ओके. तो वो लोग इन चीजों को पढ़ते हैं. फिर क्लास रिलेशन. क्लास रिलेशन यानी उस रूलिंग क्लास और वर्किंग क्लास के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, उनमें कोई तनाव है या वो लोग बहुत अच्छी तरह से रहते हैं. एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कौन से अलग अलग तरह के प्रोडक्शन होते हैं. तुमने देखा होगा एग्रीकल्चर इन अ फेयरली डेवलप्ड विलेज इज डिफरेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अ अंडर डेवलप्ड विलेज. ऑल राइट. कुछ लोग हाथ से काम करते हैं, कुछ लोग मशीनों से काम करते हैं, और उससे जिंदगी अलग अलग हो जाती है, हिस्ट्री अलग अलग हो जाती है. द हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ फार्मर हु वर्क्स विद अ ट्रैक्टर विल लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ अ फार्मर हु वर्क्स विद हिज हैंड और हर हैंड. ओके. सो ये जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे वो ऐसी चीजों को बारे में पढ़ते थे. ऑल राइट. नाउ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंडिया स्टडीड हाउ क्लास कास्ट ट्राइब्स डेवलप्ड इन रिलेशन टू रिलीजन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. तो इंडिया में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस किस पे काम करते थे, वो लोग इन चीजों पे फोकस करते थे. क्लास यानी तुम अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, कास्ट यानी तुम ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो. ठीक है. ट्राइब्स. ट्राइब्स यानी ग्रुप्स ऑफ पीपल हु लिव इन रिमोट एरियाज. ओके. तो वो लोग इन तीन चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते थे कि हिस्ट्री जो है वो इन तीनों अलग अलग चीजों में होने से कैसे बदलता है. ऑल राइट. ये तीन चीजें कैसे बदलती है इन रिलेशन टू टू थिंग्स. रिलीजन यानी रिलीजन के होने से ये तीन चीजें कैसे बदलती है. एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. इन तीन चीजों के जो, इन तीनों क्लास के जो लोग हैं, क्लास कास्ट ट्राइब, उनके पास क्या क्या साधन है अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए, दैट्स व्हाट दे स्टडीड. नाउ आई एम गोना क्विकली शो यू एन एग्जाम्पल. नाउ द इंडियन कास्ट सिस्टम फॉर एग्जाम्पल, इन द इंडियन कास्ट सिस्टम, दिस इज पर्टिकुलरली द हिंदू कास्ट सिस्टम, ब्राह्मण सबसे ऊपर आते हैं. जो जनरली रिलीजन यानी जो पंडित बोलते हैं, पंडितायन होते हैं, वो उधर से होते हैं. फिर क्षत्रियज आर किंग्स, रूलर्स, वॉरियर्स. वैश्यज आर जो बिजनेसमैन होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं जिनके पास थोड़ा सा लैंड है. फिर शूद्र यानी जो फार्म पे काम करते हैं, जिनके पास ज्यादा मतलब अनस्किल्ड वर्कर्स, जिन्हें हम लेबरर्स बोलते हैं आज, सर्वेंट्स बोलते हैं, दैट्स द शूद्र कास्ट. और फिर आते हैं दलित जो सबसे नीचे है, सो दैट्स द अनटचेबल, जिनको जिनको अछूत बोलते हैं, जो मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब मांस खाते हैं या मरे हुए लोगों के बॉडीज के मतलब दफनाते हैं, उन लोगों के बारे में है. राइट. सो नाउ द रूलिंग क्लास जनरली ब्राह्मण्स और क्षत्रियज होते थे. ओके. वर्किंग क्लास कौन होते थे, वैश्यज और शूद्र. तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस क्या करते थे, इन क्लास के बीच में जो रिलेशंस है उनको पढ़ते थे. और दूसरी बात है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे है, मतलब ब्राह्मण्स और क्षत्रियज, किंग्स, रूलर्स, वॉरियर्स, प्रीस्ट, मतलब उनके पास ज्यादा ज्यादा पैसा है, ज्यादा ज्यादा रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, तो उनको क्या मिलता था, उनको ज्यादा ज्यादा लैंड मिलता था और उनके पास बहुत सारा पैसा था और अपनी जरूरतों पूरे करने के लिए बहुत सारे साधन थे. लेकिन जो वैश्य या शूद्र थे, उनके पास खुद की कोई जमीन नहीं थी, खुद का कोई धन नहीं था, तो जिसकी वजह से, या खुद का कोई पैसा नहीं था जिसकी वजह से ये लोग पुअर हो गए, या जिसकी वजह से ये लोग बिल्कुल भी अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए उनको बहुत सारा काम करना पड़ता था. और फिर आते थे दलित, जिनको हमें इतना मतलब हम लोगों ने उनको इतना पीछे छोड़ दिया मतलब हिस्ट्री में, कि
उनकी जरूरतें पूरे करने के लिए भी उनके पास साधन नहीं बचते थे. ऑलराइट, तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस यूज टू स्टडी अबाउट दैट की क्लास, कास्ट, ये जो जाति है, जो क्लास है, ट्राइब्स है, वो कैसे डेवलप होते थे रिलीजन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से. तो वन मोर थिंग कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस बिलीव कि हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं. तो नीचे के जो लोग हैं, पहले वो लोग जमीन शेयर करते हैं, शूद्र, दलित, ये लोग हैं जो, वो लोग जमीन शेयर करते थे, इसलिए उनके पास खुद के ज्यादा जमीन नहीं है, खुद के ज्यादा पैसे नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जरूरतें बस थोड़े थोड़े अमाउंट में पूरे होते थे. वैश्य जो है वो ग्रुप में जमीन ओन नहीं करते, दे हैड लैंड ऑफ देयर ओन, उनके पास खुद की जमीन थी. अभी इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा पैसा होगा, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ज्यादा पावर होगा. और फिर आते थे क्षत्रिय और ब्राह्मण, जिनके पास अपनी खुद की जमीन भी होती थी और वो दूसरे की जमीनों को भी हड़पते थे या उनपे कब्जा कर लेते थे. अभी इसका मतलब ये कि उनके पास सबसे ज्यादा पावर है और सबसे ज्यादा पैसा है. ऑलराइट, सो दैट मींस क्लास स्ट्रगल होने के लिए बहुत सारा स्पेस है. यानी अगर समझो किसी क्षत्रिय ने या किसी ब्राह्मण ने किसी दूसरे के जमीन पे हड़प कब्जा कर लिया या उस जमीन को हड़प लिया, तो उन दोनों के बीच में फिर क्लास स्ट्रगल या क्लास कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर हिस्ट्री लिखा जा सकता है. ऑलराइट, नाउ थर्ड पॉइंट, दे आइडेंटिफाइड हाउ क्लास, कास्ट एंड रिलीजन ऑप्रेस द वर्किंग क्लास. तो जैसे मैंने वो पिरामिड बताया, मैंने तुम्हें ऑब्वियसली अभी अभी से बता दिया है कि ऊपर वाले जो कास्ट वाले लोग होते हैं या ऊपर वाले जो क्लास वाले लोग होते हैं, दे यूज टू ऑप्रेस, यानी उन लोअर कास्ट या लोअर क्लास वाले लोगों के साथ वो अन्याय करते थे या उनके साथ गलत करते थे. राइट, एंड डीडी कोसाम्बी, रोमिला थापर, आर एस शर्मा और अ फ्यू इंपॉर्टेंट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन. तो ये है डीडी कोसाम्बी, ये है रोमिला शर्मा, रोमिला थापर और ये है आर एस शर्मा. इन तीन लोगों ने इस तरीके से हिस्ट्री पढ़ा कि कास्ट और क्लास और रिलीजन के थ्रू हिस्ट्री कैसे बदला, अलग अलग लोगों की कैसे अलग अलग हिस्ट्री है. ठीक है, मूविंग ऑन नाउ, सब ऑल्टर्न हिस्ट्री. नाउ एंटोनियो ग्राम्शी एंड इटालियन हिस्टोरियन सजेस्टेड दैट हिस्ट्री शुड बी स्टडीड एंड रिटन स्टार्टिंग फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज पीपल ऑफ सोसाइटी. तो ये जो है एंटोनियो ग्राम्शी, उनका क्या कहना था, दे ही बिलीव दैट हिस्ट्री शुड बी स्टडीड फ्रॉम द लोएस्ट लेवल ऑफ पीपल, अंडर प्रिविलेज, यानी जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, दे आर वेरी पुअर, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ पावर और लैंड. ठीक है, तो एज आई शोड इन द पिरामिड, उनके हिसाब से क्या था, यहां से हमें हिस्ट्री पहले पढ़ना चाहिए क्योंकि इनकी हिस्ट्री ज्यादातर आती नहीं है, ज्यादातर हम इनके हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं. लेकिन एंटोनियो ग्राम्शी का क्या कहना था कि हमें नीचे से शुरू करना चाहिए फिर ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए. ठीक है, नाउ फोकलोर इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सबॉल्टर्न हिस्ट्री. फोकलोर यानी लोकल स्टोरीज. अभी लोकल स्टोरीज ऊपर के हिस्सों में या अपर क्लास लोग ज्यादा मतलब लिखते नहीं है या पढ़ते नहीं थे, तो लोअर क्लास लोग के जो लोकल स्टोरीज थी, जो विलेजेस में जो स्टोरीज थी या जो लोअर क्लास लोगों के जो घरों में जो स्टोरीज थी, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर सबॉल्टर्न हिस्ट्री. सबॉल्टर्न का मतलब रिमेंबर लोएस्ट ऑफ द लो, यानी सबसे लोअर क्लास लोगों का हिस्ट्री. ओके, नाउ महात्मा ज्योतिराव फुले रोट अबाउट द शूद्राति शूद्र इन हिज बुक गुलामगिरी, वेर ही पॉइंटेड आउट हाउ पीपल वर ऑप्रेस्ड अंडर द नेम ऑफ रिलीजन. तो यह है महात्मा ज्योतिराव फूले, उन्होंने क्या लिखा, एक बुक लिखा कॉल्ड गुलामगिरी. ओके, गुलामों की लाइफ. ठीक है, और उसमें उन्होंने इनके बारे में बात किया, शूद्राति शूद्र. शूद्राति यानी शूद्र में, शूद्र से भी नीचे वाले लोग. ओके, शूद्राति शूद्र यानी शूद्र से भी नीचे वाले लोग, मतलब शूद्र के जो कम्युनिटी है इनके बीच में भी लोग बहुत भेदभाव करते थे. मतलब शूद्र से भी नीचे वाले लोग, लोगों के बारे में उन्होंने लिखा है. और क्या लिखा है कि ये लोगों को कैसे रिलीजन के नाम पे, यानी भगवान के नाम पे या धर्म के नाम पे उनको, उनके साथ अन्याय होता था, उनके साथ गलत चीजें होती थी. एंड दिस इज समथिंग वी हैव सीन. जो बड़े बड़े ब्राह्मण होते हैं, बड़े बड़े पंडित होते हैं, वो दूसरे गरीब लोगों को बोलते हैं कि तुम इतना इतना पैसा दे दो या तुम इतना इतना जमीन दे दो और फिर भगवान तुम्हारे लिए भला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. तो उनके नाम पे उनके साथ जो अन्याय होता था, या वो लोग बोलते थे कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं इस जमीन से कभी भी कुछ भी ले सकता हूँ और तुम्हारे इस जमीन के ऊपर कोई हक नहीं है, मैं भगवान का इंसान हूँ, वैसे. तो
धर्म के नाम पे या रिलीजन के नाम पे वॉट एवर ऑपरेशन वॉज हैपनिंग, महात्मा ज्योतिराव फुले रोट अबाउट दैट. एंड फाइनली डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर रोट अबाउट द लाइव्स ऑफ द दलित्स इन हिज बुक हु वर द शूद्रज एंड द अनटचेबल्स टू शो अबाउट हाउ सबॉल्टर्न ग्रुप हिस्ट्री शेप्ड इंडिया. तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में सभी लोग जानते हैं, उन्होंने भी लोअर कास्ट लोगों, दलित लोगों के बारे में लिखा है. तो उन्होंने क्या लिखा उनके लाइव्स के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में, कि हु वर द शूद्रज, कौन थे शूद्रज एग्जैक्टली. अभी हमने भी, हमें भी पता है कि ऐसे लोअर क्लास लोग एग्जिस्ट करते हैं, पर वो कौन है एग्जैक्टली हमें नहीं पता. तो हमें भी ऐसे बुक्स पढ़नी चाहिए और उनके हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए, राइट. और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह भी पॉइंट किया कि हाउ सब ऑल्टर्न ग्रुप हिस्ट्री चेंज इंडिया या शेप इंडिया. तो जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके जो किए कराए एक्शंस है या उनके जो स्टेप्स है जो उन्होंने अपने जिंदगी में लिए है, उससे इंडिया का हिस्ट्री कैसे बदला, कैसे शेप हुआ, दैट इज व्हाट बाबा साहेब अम्बेडकर रोट अबाउट. ऑल राइट, मूविंग ऑन. एंड फाइनली वी आर ऑन अ लास्ट टॉपिक, दैट्स फेमिनिस्ट हिस्ट्री. तो ताराबाई शिंदे, अ फेमिनिस्ट हिस्टोरियन फ्रॉम द 19th सेंचुरी सी, यानी 19वीं सदी की एक फेमिनिस्ट हिस्टोरियन थी, यानी अ फीमेल हिस्टोरियन, अटैक द मेल डोमिनेटेड सोशल एंड कास्ट सिस्टम इन इंडिया. उन्होंने क्या किया, सोशल सिस्टम इन इंडिया एज अ शोड हियर, ज्यादा से ज्यादा इफ यू लुक हियर, ये ज्यादा से ज्यादा जो भी काम करते हैं वो मेल्स थे, लेकिन फीमेल्स का यानी औरतों का स्टेटस इतना कम था तभी इंडिया में कि वो इस सिस्टम में बिलोंग ही नहीं करते थे. ऑलराइट, सो व्हाट डिड ताराबाई शिंदे डू, ताराबाई शिंदे ने इस सिस्टम पे अटैक किया कि ये सिस्टम बहुत ही गलत है, ये सिर्फ मर्दों के काम और मर्दों के ऊपर ज्यादा फोकस डालते हैं, लेकिन औरतों का क्या. तो उन्होंने इस सोशल एंड कास्ट सिस्टम पे अटैक किया. इन हर बुक स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री यानी वुमेन, पुरुष यानी मेल, एंड तुलना यानी उनके बीच में जो कंपैरिजन होता है. ओके, सो हर बुक स्त्री पुरुष तुलना इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया. तो इंडिया में सबसे पहली बार एक औरत ने क्या कहते हैं उसको, सोशल सिस्टम या इंडिया के जो कास्ट सिस्टम है उसके खिलाफ लिखा, ये ऐसा पहला बुक था. ऑलराइट, नाउ फेमिनिस्ट हिस्ट्री फोकस्ड ऑन द इश्यूज ऑफ वुमेन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एट द वर्क प्लेस, पॉलिटिकल इक्वालिटी. फेमिनिस्ट हिस्ट्री अगेन जस्ट अ रिमाइंडर क्या करता था, विमेन या औरतों के नजरिए से सारी चीजें लिखता था, औरतों के क्या प्रॉब्लम्स थे रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट यानी काम के रिलेटेड, प्रॉब्लम्स एट द वर्क प्लेस, उनके काम में क्या क्या दिक्कतें आती थी, बाधाएं आती थी, एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिक्स में औरतों का क्या रोल था, व्हाट वाज द रोल ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स, और उनको क्या क्या हक मिलते थे पॉलिटिक्स में भागीदार होने में या हिस्सा होने लेने के लिए उनको क्या क्या हक मिलते थे. ऑलराइट, नाउ मीरा कोसाम्बी'स बुक क्रॉसिंग थ्रेशहोल्ड्स कंटेन्स स्टोरीज ऑफ इंडियन वुमेन लाइक पंडिता रामाबाई, डॉक्टर रुखमाबाई. ऑलराइट, तो मीरा कोसाम्बी पिक्चर राइट हियर, ऑलराइट, शी रोट अबाउट क्रॉसिंग थ्रेशहोल्ड्स. क्रॉसिंग थ्रेशहोल्ड्स यानी सीमाएं लांघना. ऑलराइट, हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि औरतों को अपनी सीमाएं लांघनी नहीं चाहिए, तो क्रॉसिंग थ्रेशहोल्ड यानी उसमें औरतों ने, जिन जिन औरतों ने इंडिया में अपनी सीमाएं लांघ ली या जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया उनके बारे में स्टोरीज लिखे हैं, लाइक पंडिता रमाबाई और डॉक्टर रुखमाबाई. डॉक्टर रुखमाबाई इज द फर्स्ट इंडियन डॉक्टर इन द मॉडर्न एरा. ऑलराइट, फर्स्ट फीमेल इंडियन डॉक्टर ऑफ द मॉडर्न एरा. राइट, नाउ डॉक्टर शर्मिला रेगे'स बुक राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर स्पोक अबाउट दलित वुमेन. दिस इज डॉक्टर शर्मिला रेगे, शी रोट अ बुक ऑन राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर. अभी कास्ट में भी, व्हेन वी लुक एट द कास्ट सिस्टम अगेन, ये जो शूद्र होते थे, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, ये सब ज्यादा ज्यादा जो कास्ट सिस्टम होते थे मर्दों के बारे में बात करते थे, इसमें औरतों का कुछ था भी नहीं. सोचो तो अगर मर्द के साथ या मर्दों के साथ इतना अन्याय हो रहा था तो औरतों का तो जिक्र भी नहीं था इसमें, जिससे पता चलता कि औरतों की क्या बुरी हालत थी पहले के समय में. तो उन्होंने ये लिखा कि सिर्फ हमें कास्ट नहीं देखना चाहिए, हमें जेंडर को भी देखना चाहिए, जेंडर यानी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, इन सब चीजों को भी देखना चाहिए. क्यों, क्योंकि उनके हिस्ट्री को कभी देखा ही नहीं गया है. सो शी मोस्टली रोट अबाउट विच टाइप ऑफ वुमेन, दलित वुमेन. अभी दलितों के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी पढ़ा और उन्होंने भी ऐसी चीजों पे बहुत बातें की, लेकिन फिर वुमेन के बारे में, दलितों में भी वुमेन होते थे, तो उनके हिस्ट्री के बारे में डॉक्टर शर्मिला रेगे ने लिखा है.
राइट, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन. अभी दो क्वेश्चन है आज के क्लास के लिए. व्हाई डू यू थिंक द स्टडिंग ऑफ सबाल्टर्न हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट? लोअर क्लास लोगों के हिस्ट्री को पढ़ना इम्पॉर्टेंट क्यों है? आंसर इन 25 to 30 वर्ड्स. एंड ड्रॉ अ टू पार्ट टेबल लिस्टिंग फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस एंड देयर वर्क एंड बुक्स. अभी तुम्हें टेबल बनाना है. एक साइड पे तुम फेमिनिस्ट हिस्टोरियन यानी औरतें जो जिन्होंने इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में पढ़ा, एंड देयर वर्क्स एंड बुक्स, उन्होंने जो भी वर्क किए या जो भी बुक लिखे उसको तुम्हें दूसरे साइड टेबल के दूसरे साइड में लिखना है. ऑलराइट, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर क्लास स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग. रिमेंबर आंसर योर क्वेश्चन एंड सबमिट फोटोज ऑफ योर नोट्स ऑन गूगल क्लासरूम. अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे कॉल करो, मुझे टेक्स्ट करो या मुझे वॉइस नोट भेज दो, फिर मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे थोड़ा थोड़ा और समझाने की कोशिश करूंगा. राइट, कीप वर्किंग हार्ड, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.